हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपनी फेस की स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी फेस की स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो फ्रेंड, स्किन की जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की स्किन में जो है काले धब्बे पड़ गए हैं, किसी की स्किन जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, किसी की स्किन में जो है सनलाइट की वजह से टैनिंग हो रही है, काले धब्बे हैं, झाइयां हैं, स्किन में क्लियरिटी नहीं है, वो कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है उनको। तो इसी के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को ही खत्म करने के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। और वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर अभी आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बहुत सेंसिटिव होने की वजह से मैं धूप में जैसे ही थोड़ा सा जाती थी तो मेरी स्किन में बहुत जल्दी उसका इफेक्ट दिखता था। स्किन बहुत रूखी है, और जैसे भी मैं फेस वॉश करके आती थी, जैसे मैं अपने चेहरे को वॉश करती थी किसी भी फेस वॉश से, किसी प्रोडक्ट से, तो स्किन इतनी रूखी हो जाती थी कि मुझे तुरंत मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है मैं कोई भी फेयरनेस क्रीम तक नहीं यूज कर पा रही थी क्योंकि स्किन इतनी रूखी थी, उसमें मॉइस्चराइजर ही बहुत मुझे लगाना पड़ता था ताकि स्किन थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। मैंने बहुत सारे फेस वॉश चेंज किए बट मुझे किसी का भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और यहाँ तक कि मेरे फेस में जो ये लिप का बगल वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है ब्लैक ब्लैक दोनों साइड जो है काले काले से घेरे टाइप के हो गए थे और वो काफी बढ़ते जा रहे थे। तो मैं उसके लिए तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह के फेस वॉश ये नहीं कर रही थी, बट वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे और मुझे बहुत ही बुरे लग रहे थे, फेस पे सीधे सामने दिखते थे। तो मुझे काफी ज्यादा उससे प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बहुत सारे फेस वॉश चेंज करती गई, मुझे किसी का जो है रिजल्ट नहीं अच्छा मिला। बट मैंने जो एक लास्ट में एक ऐसा फेस वॉश यूज किया जिसका रिजल्ट मुझे तुरंत ही मिलने लगा। जैसे ही मैंने दो तीन वॉश किए, मुझे ऐसा लगा मेरे चेहरे पे जो है काफी क्लियरिटी आ रही है और जितनी भी डेड स्किन थी वो सारी निकल गई और चेहरा काफी अब फेस मेरा स्मूथ लगता है, चेहरे पे क्लियरिटी दिखती है और जितने भी ब्लैक दाग धब्बे थे चेहरे पे वो धीरे धीरे जो है रिमूव होते जा रहे हैं। और मेरे लिप पे जो बगल में ब्लैक सर्कल हो रहे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और चेहरा एकदम स्मूथ लगता है जब मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद जो है अब मुझे उतना रूखापन नहीं लगता है जितना मुझे पहले लगता था, अब स्किन एकदम स्मूथ लगती है। पहले मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता था बट अब मुझे किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है वॉश के बाद और काफी अच्छा फील होता है। तो वो कौन सा फेस वॉश है उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो फेस वॉश जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। आप इसे पास से देख सकते हैं, ये लिखा है इसकी कंपनी का नाम, ये जोवीस कंपनी का फेस वॉश है और इसकी मिड में लिखा हुआ है D10 यानी टैनिंग पर्पस से। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये इम्प्रूव स्किन क्लियरिटी, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है इम्प्रूव स्किन क्लियरिटी, यानी कि जो स्किन की क्लियरिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है। तो यही वो फेस वॉश है जिसे मैं यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ इस फेस वॉश की खासियत के बारे में। तो पहली बात ये है कि ये जो फेस वॉश है आपके फेस की डेड स्किन को क्लियर कर देता है। आपके फेस पे जो डेड स्किन इकट्ठी होती रहती है ये फेस वॉश उसको एकदम क्लियर कर देता है। दूसरी बात ये है कि आपके चेहरे पे जो ब्लैक धब्बे पड़ गए होते हैं, काले काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट पड़ गए होते हैं, उनको क्लियर करता है। तीसरी बात ये है आपके फेस की स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है। और चौथी बात यह है कि जो चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई होती हैं, सन की टैनिंग हो गई होती है, सनलाइट की वजह से, धूप में जाने की वजह से जो आपकी काली झाइयाँ दिखने लगती हैं उनको ये क्लियर करता है। तो इस फेस वॉश पे ऐसी सारी खासियत हैं जो आपके फेस की स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एकदम से खत्म कर देता है। तो ये था इस फेस वॉश के बारे में। और मैंने जो खरीदा है ये है 120 ml, ये 120 ml का है और इसका जो प्राइस है वो 190 है, बट इसमें मेरे को 10% की जो है ऑफ मिला था। ये मुझे इसका ये जो यहाँ पे रेट पड़ा है वो 190 ही पड़ा है, बट मुझे इसमें 10% जो है ऑफ मिला था, डिस्काउंट मिला था, तो ये मुझे 170 के समथिंग पड़ा था 120 ml का। और इसका जो है एक छोटा पैक भी आता है वो 95 के समथिंग आता है, वो 50 ml का मिलता है। तो आप जो परचेज करना चाहें वो ले सकते हैं। इस फेस वॉश के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं सारे। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट,
स्वीट चेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, कैरेट एक्सट्रैक्ट और बियर बेरी एक्सट्रैक्ट, यानी सारे नेचुरल हैं। जो भी इसमें इसके अंदर जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं। और इसका जो मेथड ऑफ यूज वो भी लिखा हुआ है। इसको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और उसको लेके अपनी हथेलियों से आपको राउंड राउंड इस तरीके से थोड़ा देर तक अपने जो है मसाज करनी है चेहरे पे पूरे पे, और उसके बाद उसको वॉश कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो कैसा लगा है, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये जो है वीडियो जो है काफी यूजफुल रहे, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टेक केयर, लिव हेल्दी।